कानाने ऐकू येतच नाही, ऐकू कमी येतंय, तर मग चला लातूर या ठिकाणी वेदनामुक्त केंद्राच्या थेरपीने तसेच सुप्रसिद्ध डॉक्टर शेकीमाम यांच्या नॅचरोपॅथी आणि ॲक्विथेरपिस्ट यांच्या हाताच्या जादुई स्पर्शाने 5 मिनिटात कानाची मशीन घालवा आणि बहिरेपणा घालवा. चक्क हातांच्या थेरपीने या वेदनांपासून मुक्ती मिळवा. या कॅम्पला भेट द्या लातूर या ठिकाणी. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, सुरत, हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध नॅचरोपॅथी आणि ॲक्विथेरपिस्ट चेरो प्रॅक्टिस डॉक्टर शेकीमाम यांच्या लातूर येथील वेदनामुक्त केंद्राच्या कॅम्पमध्ये नॅचरोपॅथी ॲक्विथेरपिस्ट डॉक्टर शेकीमाम यांच्या हाताच्या थेरपीच्या सहाय्याने तसेच युनानी औषधांच्या सहाय्याने कानाचा बहिरेपणा घालवा आणि मशीन काढून टाका. तसेच गुडघेदुखी, मान, पाठ, कंबरदुखी, मुंग्या येणे जुनाट वेदनाग्रस्तांसाठी 15 मिनिटांच्या थेरपीने वेदना गायब होतात. चला तर मग एक वेळ अवश्य भेट द्या वेदनामुक्त केंद्राच्या थेरपीला. संपर्क क्रमांक 86 05 07 37 97 तसेच 87 88 72 59 41. आमची वेळ दररोज सकाळी 10 ते 6, शुक्रवारी सुट्टी, शॉप नंबर 6, मलंग कॉम्प्लेक्स, केजीएन हॉस्पिटल जवळ, अंबाजोगाई रोड, लातूर. काय नाव आपलं? नवनाथ वसंतराव धाकटोडे. कुठून आलो? अंबाजोगाई. काय काय त्रास होता? मणक्याचा घात पडला, नसडब्ल्यू. त्याच्यामुळे काय व्हायचं तुम्हाला? पायाला उभारता येत नव्हतं. उभारता येत नव्हतं. अजून मुंगे येत होते. किती दिवसांत त्रास आहे तुम्हाला? 2 महिने. 2 महिने झाले. मग डॉक्टरला वगैरे नाही दाखवले? दाखवलं. किती डॉक्टर दाखवले? 5-6 डॉक्टर. मग कमी नाही झाले? ओके. मग आता जे आपले डॉक्टर साहेब आले पुण्याहून, त्यांच्या थेरपीने, डॉक्टर शेकीमाम साहेबांच्या थेरपीने किती मिनिटात वेदना मुक्त झालो आणि उभा राहता येईल? 15-20 मिनिट. आता काही त्रास होते? किती इंजेक्शन दिल्या? इंजेक्शन. औषध किती खाऊ घातले? नो इंजेक्शन, नो औषध, फक्त थेरपीने. ओके, चलत जाओ, थोडासा जाओ, चलत चला या थोडासा. काही त्रास होते? एकदम ओके. आपल्यासारखे भरपूर लोक वेदनाग्रस्त आहे, अशा लोकांना काय संदेश देणार आपण? शेकीमाम साहेबांच्या थेरपीने म्हणजे डॉक्टर शेकीमाम साहेबाला भेट आणि वेदनापासून मुक्त. शुद्ध मराठी भाषेमध्ये तुम्हाला कसं माहिती झालं डॉक्टर साहेबाकडे आल्यानंतर 10-15 मिनिटं चांगलं होतं म्हणून? युट्यूबला बघून आलो एवढं लांब. अरे वा, ओके. मग एकटे झालो? मित्र भी आले तुमचं? ओके. बाबा क्या नाम आपका? शेख अनवर. कहां से आए आप? राहुली वाले हैं, हिंगोली में रहते हैं. आप हिंगोली से, आप एनटीसी निधि कॉम्प्लेक्स में आए, तो आपको कितने दिन से सुनाई नहीं देता था? 6 महीने से. 6 महीने से सुनाई नहीं देता था? तो आपने डॉक्टर शेख इमाम साहब आए पुणे के इन हिंगोली में, इनके थेरेपी से आपको कितने मिनट के अंदर सुनना देना चालू हो गया? 2 मिनट में. बस 2 मिनट में? हाँ जी. डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं. इंजेक्शन नहीं दिए? नहीं नहीं. गोली वगैरह खिलाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं, बस उनके हाथों के थेरेपी से आपको जो 6 महीने से नहीं सुनाई दे रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 मिनट में सुनाई देना चालू हो गया. हाँ जी, बहुत अच्छी बात. तो अभी अपने जैसे बहुत से जिनको नहीं सुनाई देता, अभी आप कितने डॉक्टर को बताए कान के बारे में? जो मिला उनको बोलेंगे, जिसकी मशीन दिखी उनको बोलेंगे भाई ऐसी बात ऐसी है. नहीं तो डॉक्टर को कितने बताए आपने? किस कौन से आपका कितने डॉक्टर को बताया अभी तक? ये कान के लिए खाली एक डॉक्टर साहब को बताया, उन्होंने वो चेक करे और मशीन लिख दिए. तो मशीन बताओ आपकी. तो आप जब आए थे तो मशीन लगा के आए थे? तो अभी मशीन लगाने की जरूरत गिरेंगी क्या आपको? नहीं नहीं, अब जरूरत नहीं. ओके. तो अभी लातूर में हमारा जो है तो शिविर चालू है कंटिन्यू, तो वहाँ पे लोगों के लिए आप क्या कहोगे, आना चाहिए कि नहीं लोगों ने? नहीं नहीं, आना चाहिए, फायदे वाली बात है सबके. जी जी. अभी मशीन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं. ओके. अल्लाह ने आपके हाथ में शफा दिया, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह. इंशाल्लाह आमीन, आपकी दुआ से और हाथों में शिफा आना. जनाब क्या नाम आपका? नादू मियां शेख. कहाँ से आए? मैं पनवेल से. कहाँ पे आए? परवनी में. क्या प्रॉब्लम था आपका? मेरे कान का प्रॉब्लम था. कितने साल से सुनाई नहीं आ रहा था? एक डेढ़ साल हो रहा है. एक डेढ़ साल से सुनाई नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था. तो आप डॉक्टर को वगैरह नहीं दिखाए? दिखाया था, डॉक्टर ने कुछ फर्क गिरा नहीं था. फर्क नहीं गिरा? नहीं गिरा. तो अभी जो आपने डॉक्टर शेकीमाम साहब आए पुणे से परवनी, उनके थेरेपी से कितने मिनट के अंदर कान से सुनाई आना चालू होगा आपको? 1-5 मिनट में सुनना है. वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. कितने इंजेक्शन दिए कान में?
कान में इंसेंट नहीं दिए। दवा कितने छोड़े? कुछ भी दवाई नहीं छोड़ दी। दवा नहीं छोड़े? नहीं छोड़े। दवा कितना खिलाए? कुछ भी नहीं खिलाए। खिलाए भी नहीं? नहीं। कान में छोड़े भी नहीं? नहीं। इंजेक्शन भी नहीं? नहीं लिए। वाह 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 ग्रेट। खाली हाथ की थेरेपी से 5 मिनट में आपका प्रॉब्लम सॉल्व, यानी 1.5 साल का प्रॉब्लम 5 मिनट। अभी सुना यार आपको पूरा एकदम क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आपने जैसे आप बहुत से लोग परेशान है कान से जिसको सुनाई नहीं आता है, ऐसे लोगों को संदेश क्या दोगे डॉक्टर? जरूर देंगे। इमाम साहब के बारे में क्या बताऊंगा? जरूर मुलाकात करेंगे, जरूर मुलाकात कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने संधि का फायदा लेना चाहिए। जिसको सुनाई नहीं आ रहा है वो आके डॉक्टर से। इमाम साहब जनाब क्या नाम आपका? मेरा नाम हाशमी अकीफ है। कहाँ से आए? आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा था? कमर में। कमर में, उसकी वजह से क्या होता था? गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त ज्यादा तकलीफ होती थी। कितने दिन से तकलीफ थी? 6 महीने। 6 महीने से। तो अभी डॉक्टर से इमाम साहब के पास आए, कितने मिनट के अंदर अच्छा होगा? अभी ठीक है, ठीक लग रहा है। और साथ में अम्मा को लाए? अम्मा को क्या 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 तकलीफ थी? अम्मा को तो क्या है, मनको में गया। हाँ, उसके वजह से कमर में बहुत तकलीफ है। तो कैसे चलते थे अम्मा? पूरे झुक के चलते थे। तो अभी अच्छे चल रहे हैं? अम्मा थोड़ा चल के दिखाओ, चलो थोड़ा सा चलते जाओ, ऐसा एकदम तैर चलो सावधान में। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अम्मा झुक के आए थे, अभी सीधे होके जा रहे, टाइट हो गए, चलो एकदम राइट में। वाह 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 वाह, अभी कैसा लग रहा अम्मा? सुकून लग रहा है। वाह वाह। अभी एनटीपी न्यूज मराठी लातूर।